हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, ये पटना मेट्रो का भूतनाथ मेट्रो स्टेशन है जो कि NH30 बाईपास पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, ये पटना मेट्रो का भूतनाथ मेट्रो स्टेशन है जो कि सबसे पहले जो 5 स्टेशन का निर्माण करके शीघ्र चालू करना है, उसी में से एक जो है भूतनाथ मेट्रो स्टेशन है जो कि NH30 बाईपास यानी कि नियर भागवत नगर के पास जो है स्थित है। तो मैं बता दूं कि पटना मेट्रो का ये भूतनाथ मेट्रो स्टेशन जिसमें कि 9 स्टेशन पिलर है और इसी के ऊपर जो है आपको मैं बता दूं कि प्लेटफॉर्म का निर्माण, टिकट काउंटर का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए निर्माण का काम जो है शुरू कर दिया गया है। प्री कास्ट यू गडर का जो है लॉन्चिंग आपको स्पीड कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि बहुत ही काम को रफ्तार को बढ़ा दी गई है ताकि 2025 के अंत तक जो है संभावित तिथि है मेट्रो को चालू करने का, तो वो जो है तिथि के जो है दायरे में रहकर जो है चालू किया जा सके। तो आप देख सकते हैं ये स्टेशन का पिलर है जिसका निर्माण जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और ये सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट कि जो कि अब जो कि स्टेशन का यू गडर जो है लॉन्चिंग करना भी शुरू कर दिया गया है। अब मैं बता दूं कि पटना मेट्रो का ये NH30 है और NH30 पर जो है स्थित है और ये 5 स्टेशन है जो कि मैं बता दूं कि ISBT 0 माइल, भूतनाथ, खेमनी चौक और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन। जो कि आपको मैं बता दूं कि खेमनी चौक जो है वो पटना जंक्शन की तरह वो इंटरचेंज स्टेशन है मेट्रो का, जहां से कि आपको हर जगह की मेट्रो रेलगाड़ियां मिलेगी और वहां से आप बदल सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये इंटरचेंज स्टेशन है और दूसरा इंटरचेंज स्टेशन जो है फ्रेंड्स पटना जंक्शन जो कि अंडरग्राउंड कॉरिडोर 2 का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये पटना मेट्रो का भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट कि अब तक जो है स्टेशन पिलर का ऑलमोस्ट जो है काम हो चुका है। अब जो है प्लेटफॉर्म निर्माण, और जो मैं बता दूं कि केवल अब प्लेटफॉर्म निर्माण और स्टेशन का काम जो है इस स्टेशन भूतनाथ स्टेशन एरिया में बचा हुआ है, तो इसमें भी युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्द जो है पटना मेट्रो का भूतनाथ मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार होगा और जैसे ही ये 5 स्टेशन का काम जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो मेट्रो को लाकर जो है इंस्टॉल करके संचालन कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये कैसा अपडेट लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अपडेट के